bad. Sometimes. About not doing bad? Yeah. that is what. No, we have added not doing bad now. Yes, yes. So I saw here we have this four monkeys is, like not doing bad. And this one is not doing bad. Not doing bad. So as you guys, are seeing young today. We have monkeys है जो बुराना देखो बुराना सुनो बुराना कहना यहाँ पे देखो ये सिंबलाइज करता है बुराना करो तो ये चौथा मंकी है कि बुराना करो good. That's really wonderful. Hi friends, welcome back to me, Mysorean Vlogs, और मैं हूँ शबनम शाज. मैं अभी वेस्ट अफ्रीका के नाइजीरिया देश में हूँ और अबूजा में हूँ. So let's get started. अभी जो आप देख रहे हो ये नए नोट है, बाकी यू नो पुराने नोट भी है जो कि बहुत यहाँ के सड़े गले नोट होते हैं. ये तो मैं फ्रेश करेंसी दिखा रही हूँ. वेल, अबूजा नाइजीरिया के बीच में स्थित है जो इसे अलग अलग क्षेत्रों से एक्सेसिबल बनाता है. यहाँ का मौसम ट्रॉपिकल सवाना है जिसमें अप्रैल से अक्टूबर तक बारिश होती है और नवम्बर से मार्च तक सूखा रहता है. अभी वैसे मैं यहाँ पर हूँ तो बहुत सारी बरसातें मैं देख रही हूँ. एक सीज़न ऐसा भी है यहाँ का जिसे हरमटम सीज़न बोला जाता है, जिसमें बस धूल ही धूल रहती है सारी जगह और हमारे बाल भी ख़राब होते रहते हैं. एंड जो ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे मैं स्टे करती थी पहले, अभी वो शूटिंग के लिए दिया गया है. यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा जाए तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लागत है. अबूजा के अंदर कई सारे कल्चर्स हैं. यहाँ पे थिएटर्स, म्यूज़िक वेन्यूज़ एंड कल्चर फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. जाबी लेक और अबूजा आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज जैसे जगहों को लोकप्रिय माना जाता है और आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज को एक्सप्लोर करेंगे. वैसे अबूजा में नाइट काफ़ी मज़ेदार है, ख़ास करके ऊसे एंड गर्की में, जैसे कि बार्स, नाइट कैफेज, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें आपको रात में मिल जाएंगी अवेलेबल. और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे मेरा स्टे है, ये नेशनल अपो क्वार्टर्स है जहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहा करते हैं, जिससे सेफ्टी का पूरा यू नो ध्यान रहता है यहाँ पे. कोई लाइक ज़्यादा क्राइम्स नहीं होते. हाँ, नाइजीरिया के अगर हम दूसरे स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो क्राइम्स अबूजा में काफ़ी हद तक कम होता है. हमारी सेफ्टी भी हमें कर लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे किडनैपिंग्स वगैरह तो बहुत रहते ही है. और स्पेशली लाइक हमारी तरह अगर कोई वाइट या कोई भी बाहर की कंट्री के हैं तो उनके लिए ये जगह थोड़ा देख दिखा के ही आपको बाहर निकलना पड़ता है. सेफ्टी और सिक्योरिटी का देखें तो अबूजा दूसरे शहरों के मुकाबले काफ़ी सुरक्षित है, फिर भी लोकल कंडीशंस को जानना और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए. अबूजा सिटी बहुत अच्छे से प्लान्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज सिटी है. यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस और टैक्सीस हैं, बट लोग यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए प्राइवेट कार्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, बहुत अधिक ज़्यादा. अबूजा की ज़िंदगी एक अर्बन लाइफस्टाइल को नाइजीरिया के रिच हेरिटेज के साथ मिलाती है जो इसे एक यूनिक एंड डायनामिक जगह बनाता है. इस व्लॉग में आप देखोगे कि मैं कितना फ्री घूम रही हूँ. ये इसी वजह से है कि मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं और मैं कहीं पे भी जाऊँ मेरे साथ कोई ना कोई फ्रेंड्स अवेलेबल होते हैं और मैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी जानती हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत ईजी होता है, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में जाता है और थोड़ी थोड़ी मैं बात भी कर लेती हूँ, जिससे यहाँ के लोग भी थोड़ा खुश हो जाते हैं और मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं. सो यहाँ पे मेरा नेबर मुझे हाय बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है. सो चलते हैं उसके पास, चलो इनसे पूछते हैं कि ये इंडियन के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं. गुड मॉर्निंग, फाइन, हाउ यू फील अबाउट इंडियंस? या वेल, इंडियंस आर रियली वंडरफुल पीपल. आई पर्टिकुलरली आई यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट ऑफ इंडियन फिल्म्स, यू नो, and even though I don't hear the language, but you know, the actions and the drama that is involved makes me really fall in love. I'm better ba, I know kadan Hausa. Oh okay, I don't really speak Hausa, I speak Tiv and I speak English. Okay, yeah. What do you want to say about your African culture? African culture is very rich, it's very robust in terms of tradition, in terms of the language, in terms of costume, in terms of the dance. So there's a lot of very beautiful things, the food, the customs, the greetings, it's very, very rich. And that's also the same thing, kind of the same thing with the Indian culture as well. It's very rich in, you know,
in its culture, in its language, mm-hmm. and all of that. So there's a lot of kind of like some similarities with the Indians and the African culture. Yeah. Thank you so much. You're it welcome. Was wonderful. Thank you. Have a good day. तो जैसे कि आपने जाना यहाँ पे लाइक बहुत ही इनका कल्चर रिच और वाइब्रेंट है और हेरिटेज मतलब इनहेरिट करते हैं इनके कल्चर को, ये सदियों सदियों से इनहेरिट करते हैं. और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 250 से ज़्यादा कल्चर है और लैंग्वेजेस भी इतने हैं, जिसमें ज़्यादातर इबो, यूरोबा एंड हाउसा लैंग्वेजेस हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं. और यहाँ पे जैसे कि हमारी इंग्लिश है, जो हमारी इंग्लिश में क्लैरिटी है, और यहाँ पे पिजिन इंग्लिश बोली जाती है. जैसे कि आपने देखा होगा मार्क एंजल का कॉमेडी में या कोई भी कॉमेडीज में आप देखते हो ना, जैसे कि व्हाट टू से ऐसे सभी लाइक जो रिएक्शंस होते हैं वो पिजिन इंग्लिश में होते हैं जो कि ये लोग यूज़ करते हैं. तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज, देन हम चलेंगे उसे मार्केट. उसके बाद उसे मार्केट यहाँ का सबसे फेमस मार्केट है और सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सुई धागा हो गया, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ मिल जाता है. फिर उसके बाद हम जाएंगे वेलकम गेट के पास, जो कि अबूजा का सिटी गेट है, जहाँ से एंटर किया जाता है सिटी के अंदर. फिर हम सुइया ट्राई करेंगे और जालफ राइस ट्राई करेंगे. तो आप स्टे ट्यून रहना इस व्लॉग में और आधे से मत भाग जाना, तो इसको पूरा पूरा देखना, ठीक है. और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अंदरूनी चीज़ें बता सकूँ जो कि आपको दूसरे ब्लॉगर्स ने आज तक नहीं बोला होगा या बताया होगा अबूजा के बारे में, और कुछ अलग चीज़ें भी हम ट्राई करेंगे. स्टे ट्यून. वेल, मैं अभी जा रही हूँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज मार्केट के लिए जाबी में, जहाँ पे जाबी लेक भी है. और जैसे कि मैं नाइजीरिया में हूँ, नाइजीरिया ऑयल प्रोड्यूसिंग में नंबर वन है पूरे अफ्रीका में. सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन नाइजीरिया में होता है, बट फिर भी यहाँ के ऑयल के रेट्स इतने अच्छे नहीं हैं. जैसे कि मान लो अगर मैं इंडिया के पैसों में बात करूँ रुपीज़ में, तो 40 to 47 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलता है अभी. और अगर नायरा में बात करूँ तो 880 रुपीज़ या सॉरी नॉट रुपीज़ 880 नायरा से लेके 1000 नायरा तक रेट्स चल रहा है. जैसे कि मैं बोल रही थी अभी जाबी लेक में यहाँ के इंडियंस जो हैं वहाँ पे गणपति विसर्जन भी करते हैं और बहुत सारे पार्टीज ऑर्गेनाइज वगैरह सब जाबी लेक में होता है. यहाँ पे काफ़ी सारी एम्बसीज हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्रेट्स हैं. एक्सपर्ट्रेट उनको बोला जाता है जो बाहर देश से आके यहाँ पे काम करते हैं, उनको एक्सपर्ट्रेट बोला जाता है. वेल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जालफ राइस खाया जाता है. जालफ राइस एक मतलब सबसे ज़्यादा फेमस फूड है यहाँ का. और सुइया, मोए मोए एक स्टीम बीन से बनाते हैं, जिसमें थोड़े बहुत मसाले डाल के और उसको साइड डिश के जैसे खाया जाता है. सुइया एक स्क्रीवर्ड मीट से बनता है, जो कि बहुत सारा फ्लेवरफुल होता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, और उससे ये पता चलता है कि नाइजीरियन के फ्लेवर्स और इंग्रेडिएंट्स कितने रिच हैं. और जालफ राइस एक टमाटो बेस्ड राइस है, जो थोड़े हर्ब्स और जो यहाँ के लोकल हर्ब्स और नेचुरल हर्ब्स जो होते हैं वो डाल के जालफ राइस बनाते हैं. तो मैंने अब तक ये तीनों चीज़ें ट्राई की हैं, और भी चीज़ें ट्राई की होगी बट मुझे याद नहीं. बट इस टाइम पे मैंने ये तीनों चीज़ ट्राई की है ताकि आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि मैं भी 2 साल पहले आई थी तो मैं भूल चुकी हूँ. सो इसीलिए सो आई ट्राइड जालफ राइस, सुइया एंड मोए मोए ट्राई किया. उसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे कि मैंने जालफ राइस कहा, जालफ राइस हमेशा मीट के साथ सर्व किया जाता है. ड्राई फिश जो होती है उसको तल के भुन के वो, या फिर चिकन, बीफ, ये सारी चीज़ों के साथ सर्व किया जाता है. साथ ही साथ लाइक यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राई फिश को खाना पसंद करते हैं. कच्ची मांस मच्छी से ज़्यादा ड्राई फिश ज़्यादा पसंद करते हैं लोग यहाँ पे. और टिलापिया सबसे ज़्यादा खाई जाती है यहाँ पे. लोकल्स ये फ़िश को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. साथ में मैंने एक दफ़ा देखा था, अगर अगर आपको हेरिटेज सिटीज़ लाइक
हेरिटेज साइट्स जाना है तो और हिस्टोरिकल प्लेसेस जाना है तो वो कानो स्टेट में मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हम बोलते हैं वैसे स्टेट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलते, कोई भी अगर एक स्टेट से है, जैसे कि मैं कर्नाटक से हूँ तो मैं कर्नाटक बोलूँगी और सिटी का नाम बोलूँगी और डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलूँगी कि हाँ मैं फलाना ढमकाना सिटी और स्टेट से हूँ। बट यहाँ पे सिर्फ स्टेट का नाम बोला जाता है, आपको कौन सी सिटी कौन सा स्टेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट ये नहीं बोलते। बस अगर कानो से हैं कानो, बाउची है बाउची, नाइजर स्टेट, ऐसे स्टेट्स के नाम बोलते हैं कि हम फलाने ढमकाने स्टेट से हैं। और ज़्यादातर अबूजा में जो लोग रहते हैं ये सारे कोई ना कोई स्टेट से जुड़े होते हैं और यहाँ पे काम धंधे के सिलसिले में आए हुए होते हैं, यहाँ पे अच्छे से कमा लेते हैं पैसे, अपने अपने स्टेट्स में जगह बना लेते हैं, लैंड्स परचेस करते हैं, फिर जब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो वापस अपने स्टेट में चले जाते हैं। जब तक कमाई अच्छी खासी हो रही है, मोटी खासी कमाई, तो यहाँ पे रहते हैं। और ज़्यादातर काफ़ी अमीर लोग अबूजा में रहते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे ना, जैसे कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा है, पहले भी देखती थी, ये बताया जाता है कि नाइजीरिया गरीब देश है एंड ऑल। कौन से देश में यार नहीं होते गरीब लोग, स्लम्स वगैरह नहीं होते। आप अच्छी चीज़ें भी दिखाओ ना, जो कि यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हैं। सो यहाँ पे लाइक अबूजा में, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे स्टेट से आए होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा पैसा होता है कि यहाँ की इनकी प्रॉब्लम है कि इनको पैसा मैनेज करना नहीं आता, कैसे इन्वेस्ट करें कैसे नहीं। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे लाइक अमीर लोग हैं, सो अमीर लोग हैं मतलब, और उनके पास यहाँ पे काला धन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए करेंसी यहाँ पे इतनी फ्लक्चुएट भी होती है और यू नो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि लोग यहाँ पे इतना पैसा छुपा के रखते हैं और ज़्यादातर वो अपने ख़ानदान में ही बांटते हैं। अगर कोई भी पोस्ट भी निकली या कोई भी पैसा गवर्नमेंट का निकल रहा है ना, अगर मैं हूँ, मेरे 40-50 बच्चे हैं या 30-10 जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बीवियों से, मैं यही देखूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं उन बच्चों में सब कुछ बांटूँगी, फिर बाकी के ख़ानदान के रिश्तेदार। यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बिना इन्फ्लुएंस के आपका कुछ घंटा नहीं मिलने वाला। यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम लिख लो, कुछ भी कर लो, अगर आपको इन्फ्लुएंस नहीं है तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती या कोई भी अच्छी पोस्ट नहीं मिलती। आपको इन्फ्लुएंस होना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये देश यू नो गरीब कहलाता है, अभी डेवलपिंग में है, अंडर डेवलप्ड है। वैसे तो हमारा इंडिया भी लाइक डेवलपिंग लिस्ट में ही है, ये भी वैसे ही डेवलपिंग लिस्ट में है। मुझे जैसे मैं यहाँ पे तीसरी बार आ चुकी हूँ, मुझे इतना वो नहीं लगा कि हाँ पे यहाँ पे लोग काफ़ी गरीब हैं एंड ऑल। हाँ है, कुछ कुछ जगहों पे हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी कुछ कुछ स्लम्स होते हैं, कुछ कुछ जगह होते हैं, वैसे यहाँ पे भी है कि हाँ कुछ कुछ जगह पे स्लम्स हैं और लोग यू नो अमीर भी हैं गरीब, मिक्स ऑफ पीपल जैसे हर एक देश में होता है, यहाँ पे भी मिक्स ऑफ पीपल है और बहुत ही पोलाइट और हम्बल लोग हैं यार यहाँ पे। इतना अच्छा आपका वेलकम करते हैं, आपको जानना पहचान भी हो ना। जब मैं पहले आई थी, मुझे ना कोई भी देखता था, हाय हेलो ऐसा इनाको आना गुड मॉर्निंग बोलता था, मैं सोचती थी भाई ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं, क्यों मुझे हाय हेलो बोल रहे हैं। जैसे हमारे देश में होता है ना, मुंह खुला के कोई भी अनजान व्यक्ति को हम यू नो नहीं बोलते हाय हेलो एंड ऑल, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है। अगर वो आपके पास से गुजर रहे हैं ना, तब भी आपको वो सलाम दुआ हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल देते हैं। सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे 1% यहाँ की हाउसा लैंग्वेज, जो कि काफ़ी फेमस ये लैंग्वेजेस, तीन लैंग्वेजेस हैं हाउसा योरुबा इगबो, तो ये लैंग्वेज में मुझे शायद हाउसा 1% तक आती है, जिसमें यू नो काफ़ी सारे शब्द मैंने सीख लिए हैं लाइक इना कोना इना ओनी सुनाना शब्द जैसे कि मेरा नाम है और सो बा कोमी एंड बाना सो अगर हमें नहीं चाहिए मे वन्ना वनन्नावा ऐसे बहुत सारे यू नो याई मतलब ठीक है ऐसे बहुत सारे शब्द मैं सीख चुकी हूँ और थोड़ा बहुत मुझे अंडरस्टैंडिंग भी है। सो फाइनली अभी मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज में हूँ और पहुँच गई, तो लेट्स एक्सप्लोर दैट एंड बहुत सारी बातें हम और भी करेंगे। तो ये है आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज जहाँ पे मैं अभी हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा नहीं आते, बट ये फेमस है। तो
चलिए एक्सप्लोर करते हैं अंदर जाके के यहाँ पे क्या क्या है। मार्केट यहाँ पे छोटा सा है, लोग यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे मतलब सब कुछ बनाते हैं और यहीं पे बेचते भी हैं। काफ़ी फेमस मार्केट है। तो मैं अभी जा रही हूँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर, तो विलेज के अंदर यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट की चीज़ें हैं। वाओ, सो वेल, ये पूरा सी यहाँ पे सारी इनके आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनी हुई है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी और इन लोगों से बात भी करूंगी कि इन लोगों को लाइक कैसे लगता है। राइट, this is a rhino, this is an hippopotamus, this is an elephant, you know. But this one is part of the major types of Nigeria. This is Yoruba. Okay. Look at the drum. Okay, Yoruba. This is an. So this is Yoruba. Yeah, it's Yoruba. You can see the, okay, the drum. If the drum is there, there are Yoruba people. Yes, he knows, right? The Yoruba. Yes, yes, he knows and that the drum. Are? This one is an Hausa. These are small. You know, these are smaller animals. This is an hippopotamus. This rhino. These are lions. Yeah, and I have Indian, to say. Oh, Indian, okay. We know some of the history of, and some of the history stories. History and behind all the woodings. Okay, yes. you study have, history? We have three monkeys, like our father of nation have told, don't see bad, yeah, don't talk bad, bad, don't listen bad. Listen so bad, we have three monkeys saying that. Okay, but I don't think like not doing good, not don't doing bad. Good. Yeah, I but not, not doing bad. Bad, not talking bad, not listening bad. I but not doing bad. That, no, that is what, no, we yeah, have added non doing bad now. Yes, yes. So I saw here we have this four one monkeys is, like not doing bad. This one is not doing bad. Okay. Don't doing bad. So as you guys, are too young to do bad. We have three monkeys here. Jo burana dekho, burana suno, burana kehna. Yahan pe dekho, ye symbolize karta hai, burana karo. So ye chautha monkey hai ke burana karo. Good. That's really wonderful. Well, abhi main dusri shop mein hoon. What is this? फार्मर, यहाँ पे बहुत सारे आपको आर्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग यू नो यूजुअली मतलब उनके घरों को पेंटिंग से वगैरह सजाना पसंद करते हैं। यहाँ पे कितनी सुंदर पेंटिंग है, वाओ, डांसिंग गर्ल, वाओ। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह वगैरह सब हैं, और लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं जो कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि इन चीज़ों से उनका घर सजाएं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब, यहाँ पे ज़्यादातर अफ्रीकन लेडीज़ की पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे धीरे धीरे से शूट भी कर रही हूँ, और यू नो ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ। या तो यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा शेर का वो है, मास्क के जैसे, जहाँ पे घरों में लटकाते नहीं हैं, तो वो वाला। और यहाँ पे भी आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे सी कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं। और यहाँ पे लकड़ी का सामान बहुत ज़्यादा लोग ये कर रहे हैं, तो पता नहीं ये बंदा बोल रहा है कि एक मिनट कुछ दिखाने वाला है, यहाँ पे कुछ लेके आया है। ओके ओके, ये हैंगर्स है नाइजीरिया अफ्रीका का एंड ऑल। यस, इट्स रियली ब्यूटीफुल मेड बाय योर पीपल, यू नो, वंडरफुल। वुड कार्विंग अफ्रीका के कई क्षेत्रों में, नॉट ओनली नाइजीरिया बट जैसे कि गाना है, लकड़ी के काम से बनाए गए मूर्तियां और स्कल्पचर बहुत प्रसिद्ध हैं। ये अक्सर पारंपरिक कहानियां दर्शाते हैं। जो है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट यहाँ पे ज़्यादातर ये जो क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, इन्हीं से सारी चीज़ें बनती हैं, और ये अफ्रीकन कल्चर को भी बहुत ज़्यादा
दर्शाता है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको अगर लोकल चीज़ें चाहिए तो लोकल चीज़ें आपको मिलेगी ऐसे ही पैटर्न वाइज प्रिंट वाइज कपड़ों से बनी हुई। एंड सी दिस बैग इज सो वंडरफुल, वाओ। यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी बैग्स हैं। यहाँ के टेक्सटाइल नॉट ओनली सिर्फ पहनने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं बट हर चीज़ जिससे घर सजाया जा सकता है, होम डेकोर कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग, ईयर रिंग्स, ज्वेलरी, हर चीज़ ये कपड़े की बनाकर आपको हैंडमेड चीज़ प्रेजेंट कर देंगे। अभी मैं जा रही हूँ दूसरे वाली शॉप को देखने के लिए, तो यहाँ पे सब आप देख सकते हो सारा ना लकड़ी से बना हुआ है। इना खाना कदन कदन होता। सो व्हाट डू यू, व्हाट इज मेड अप ऑफ दीज ऑल थिंग्स, दीज, या व्हाट इज दिस यू आर मेकिंग? ओके, दिस वन व्हाट डू यू कॉल? ओके, यू कॉल राफिया फॉर दिस। ओके, तो इसको राफिया बोलते हैं और इसकी मदद से ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे जो प्यारी प्यारी सुंदर चीज़ें हैं मेरे पीछे, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतने प्यारे प्यारे बास्केट, सब सारा इसी से बनता है। ये जैसे रस्सी नहीं हो जाती हमारे पास, वैसे ये एक चीज़ से वैसे ही राफिया बोला जाता है। मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बट काफ़ी सुंदर है और ये सब हैंडमेड है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बना रहा है यहाँ, यहाँ पे आपको देखो, व्हाट इज नेम, योर नेम? याया सुन्नांग का अब्दुल्लाही। ओके, हिज नेम इज अब्दुल्लाही एंड वो अभी हाथों से देखो आपको यहाँ पे बना। व्हाट आर यू मेकिंग दिस वन? लॉन्ड्री बैग। ओके, ये लॉन्ड्री बैग बना रहा है यहाँ। तो ये कितनी प्यारी क्या आप लगे, जैसे कि नायरा के बारे में मैंने बात की थी, राइट? यहाँ पे 5 नायरा 10 नायरा 20 50 एंड ऑल्सो लाइक 100 नायरा 200 नायरा 500 नायरा और 1000 नायरा। हज़ार नायरा यहाँ का हाईएस्ट है। पहले एक्चुअली यहाँ पे कॉइन्स भी होते थे 10 कोबो 5 कोबो एंड 25 कोबो, बट अभी नहीं है। यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, तो दीज आर द कोबोस, ये 10 कोबो हैं एक्चुअली। देखो इंडियन की तारीफ कर रहा है। यस यस, व्हाट डू यू फील अबाउट आवर इंडियन आर्टिसंस? दे आर वेरी ग्रेट, बट आई फील यू पीपल आर ग्रेट, डूइंग मोर देन व्हाट इंडियंस कैन डू। वी आर ट्राइंग, बट इंडिया नाउ इज वेरी ग्रेट बिकॉज वी आर यूजिंग मेनी थिंग्स। वी बोथ आर ग्रेट, बोथ आर ग्रेट इन हैंडमेड थिंग्स। Yes, we Indians make a lot of things. यहाँ पे जैसे कि आप ये देख रहे हो इस पे ओम लिखा है, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बिकती है, बट इनको नहीं पता। Do you know what is this? No, you just using to make a bracelet. तो इन लोगों को नहीं पता ये actually क्या है, but still ये लोग use कर रहे हैं bracelets में और बेचने के लिए। ये सब कला और हस्तकला सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि अफ्रीका की सामाजिक और धार्मिक पहचान को भी व्यक्त करते हैं। वैसे ही मास्क मेकिंग, मास्क का इस्तेमाल रिचुअल्स और कल्चरल फंक्शंस में होता है। ये अक्सर अलग अलग ट्राइबल आइडेंटिटी को मिथोलॉजी को दर्शाते हैं। अफ्रीका के मिट्टी के बर्तन भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, ये अक्सर हाथ से बनाए जाते हैं और इन पर ट्रेडिशनल डिज़ाइंस होते हैं। तो मुझे ये बास्केट अच्छी लगी तो मैं बास्केट ले रही हूँ, और ये जैसे कि मैंने कहा 10 कोबो ये ले रही हूँ। थैंक यू, अच्छी है ना बास्केट? सो मैं इसको ना हैंडबैग की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। वेल, ये पूरी पेंटिंग की शॉप है, यहाँ पे कितने खूबसूरत पेंटिंग्स हैं यार। काश मेरे पास बंगला होता ना और मैं ऐसी पेंटिंग्स लगा लेती अपने घर में, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। मैं एक्चुअली सोच भी रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक पोर्ट्रेट भी बना लूँ अपनी। सारा ये हैंड पेंटेड है, इनकी क्लैरिटी कितनी अच्छी होती है पेंटिंग्स में, बारीकियाँ वगैरह, राइट? इसको मेरे साथ पिक्चर चाहिए तो हम पिक्चर लेने वाले हैं अभी। थैंक यू, नागो डे। मार्केट है और यहाँ पे अभी लोग इतने ज़्यादा नहीं है, और मैं सवेरे सवेरे आ गई हूँ ताकि मुझे शूट करने कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो आप यहाँ पे ये सब देख सकते हो, कितना शानदार शानदार चीज़ें हैं यार। इसमें आप लाइट लगा सकते हो अंदर, ओके। सो द मार्केट लुक्स लाइक दिस, मार्केट यहाँ पे ऐसे लगता है। मैंने एग्जैक्टली ऐसी वाली बैग खरीदी। लेदर से बना हुआ है, अंदर लकड़ी का बना हुआ है बट ऊपर से कैमल लेदर। ये सारी नेचुरल रिसोर्सेस से चीज़ें बनाते हैं और यू नो इनके कल्चर को दर्शाते हैं। इनके कल्चर में जो भी इनके पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जैसे कि इनको सिखाए हैं वैसे ही ये फॉलो करते हैं। इसमें पूरा लाइक यहाँ पे आप जो भी यहाँ के शॉप्स वगैरह देख रहे हो ये सारा इनको इनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, अफ्रीकन कल्चर को। तो नई नई चीजें। ओह, 9 अगस्त किया। सो ये वाली बैग के लिए मैं बार्गेन कर रही हूँ बंदे से, बहुत प्यारी है, कभी ना कभी कोई ना कोई ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी, राइट। सो मैं बार्गेन कर रही हूँ और ये मान नहीं रहा है, मैं इसको पूछ रही हूँ 3000 नायरा में दे दे भाई, ये 5 से उतर नहीं रहा, शायद 4 में दे दे। तो 3:30 में फाइनल हो गया तो मैंने ये बैग एक्चुअली खरीद ली। नागोडे, थैंक यू नागोडे, आई एम चेकिंग ऑन यू, यू लुक ब्यूटीफुल। यहाँ पे ज़्यादातर आपको ना सिर्फ पेंटिंग्स, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, यही सारी चीज़ें आपको। वाओ, इट्स वंडरफुल, हाउ डू यू गाइस मेक इट सो ब्यूटीफुली, यू हैव वंडरफुल क्रिएटिविटी स्पेशली अबाउट पेंटिंग्स, थैंक यू सो मच नागोडे। सी, मैं यहाँ पे इयररिंग्स ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें अच्छी है बट हर चीज़ तो हम कैरी नहीं कर सकते, राइट। बट छोटी छोटी चीज़ें जो मेमोरीज के लिए हम कैरी कर सकते हैं तो मैं वही देख रही हूँ। कैन आई रिमूव दिस, हाउ मच इज दैट बा? 1 and 9 2000। हाँ, थोड़ी थोड़ी हौसला समझ में आती है। सो व्हाट इज योर फाइनल प्राइस? 1000 नायरा? 1000. So I bought this. उसने मुझे 2000 बोला और मैंने 1000 नायरा में ले लिया इसको। Well,
देखो ये फुलानी डिजाइन है यहाँ की, और एक जनजाति जिस जो लोग ज्यादातर ऐसी इयररिंग्स और ये पहनते, जो मैंने अभी इयररिंग्स खरीदी और ये ब्यूटीफुल नेकलेस, वाओ यार कितना सोना सोना प्यारा प्यारा बनाते हैं ये लोग, राइट? बताना जल्दी कि मैं कैसी लगी। वेल, ये खूबसूरत झील जिसे जाबी लेक के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे बोटिंग फिशिंग से मार्केट में हूँ और यहाँ पे मैं नाइजीरियन स्टाइल के हेयर्स एक्सटेंशंस लगाने वाली हूँ और उनका स्टाइल कॉपी करने वाली हूँ। ये वाला जो आपने देखा, ये वाला ना बंदा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है बालों के एक्सटेंशंस लगाने के लिए, जो लोग एक्सटेंशंस लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये मार्केट हम एक्सप्लोर करेंगे। वो सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ जो अब तक के व्लॉगर्स ने नहीं ट्राई की होंगी। तो ये लोग ऐसे एक्सटेंशंस लगाते हैं अपने बालों के, क्योंकि इनके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं काफ़ी। ये सिर्फ मतलब यहाँ पे नाइजीरिया के लोगों के बाल छोटे छोटे होते हैं, बट सारे अफ्रीकन्स के नहीं। जैसे कि इथोपिया वगैरह हो गया, इथोपिया में सब बाल थोड़े काफ़ी बड़े ही होते हैं। वेल, ये वाला ना सबसे बिजी मार्केट है जिसमें मैंने अभी मेरे बाल बनाए हैं। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस, इतना अच्छा अच्छा एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये एक बिजी मार्केट है जहाँ पे आपको गोल्ड भी एक ही मार्केट में मिलेगा, कपड़े हर चीज़ यहाँ पे एक ही। बाल बनाने के बाद मैं जा रही हूँ मार्केट के अंदर। वेल, ये बहुत ही बिजी मार्केट है, मैं सोच रही हूँ यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ, वरना यू नो सारे लोग मुझे एक तो सभी लोग यहाँ पे घूर रहे हैं मुझे। और ऐसे वीडियो बनाना और व्लॉग्स बनाना थोड़ा अनसेफ ही है, पता नहीं कब किसको गुस्सा आ जाए, हम कह नहीं सकते। वैसे पहले ही लोग जैसे कि मैंने कहा घूर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें सिक्योर और सेफ रहना पड़ता है, सेफ चलना पड़ता है यहाँ पे। बाकी गोल्ड्स और यू नो सारा आर्टिफिशियल चीज़ों की तरह गोल्ड बिकता है यहाँ पे, हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाती है। वेल, मैं आपको चलते चलते दिखा रही हूँ सो दैट कि मैं एक जगह रुकूँ तो यहाँ पे लोग डिस्टर्ब करने लग जाएंगे। सो दैट नागोडे वैसे यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी, कोई भी ग्रेजुएट हो या पढ़ाई ख़त्म करने के बाद देश के लिए एक साल तक फ्री प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब, कोई भी जॉब पाना हो तो उनको NYSC की सर्विस करनी पड़ती है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल यूथ सर्विस। मैं आ गई सिटी गेट पर। अभी सिटी गेट अबुजा नाइजीरिया का एक प्रसिद्ध लैंडमार्क है और ये गेट अबुजा के एंट्रेंस पर स्थित है, इससे शहर का प्रथम दृश्य मिलता है। सिटी गेट की डिज़ाइन मॉडर्न और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का मिश्रण है जो नाइजीरिया के रिच कल्चर को दर्शाता है। ये जगह प्रत्येक और लोकल लोगों के लिए एक मीटिंग पॉइंट है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली थी और बहुत ज़्यादा भूख लगने के कारण मैंने सोचा कि कोई इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं, और वहाँ पे मैं गई सेंट्रल पार्क और वहाँ पे बिरयानी ट्राई किया। बट सच बताऊँ तो बिरयानी इतनी घटिया थी कि मेरा सारा मूड ही वहीं पे ऑफ हो गया। फिर मैं घर आके फ्रेशन अप होके कुछ पैसे अपने जेब में, वैसे ये पहला स्पॉट था जहाँ पे मैंने सुइया ट्राई करने के लिए गई, और वहाँ पे मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने के लिए, मतलब इतना अंधेरा अंधेरा था कि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। फिर मैं रास्ते में देख के आई थी कि वहाँ पे और एक सुइया वाला था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पैक करवा लेते हैं, ट्राई भी करेंगे, टेस्ट काफ़ी अच्छा था तो मैं एक ट्राई भी करती हूँ यहाँ पे। फिर मैं चली गई और एक सुइया वाले के पास, जो कि मैं आप लोगों को लेके जाके दिखाऊंगी। हे गाइस, तो मैं हूँ अभी फेमस सुइया ट्राई करने के लिए, सो मैं आप लोगों को सुइया की जगह लेके आई हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे सुइया है, सो अभी हम ये नाइजीरिया का फेमस सुइया ट्राई करेंगे। वेल, जैसे हमारे हम इवनिंग में चार्ज वगैरह होता है वगैरह, सो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे जैसे इवनिंग चार्ज वगैरह होता है, वैसे ही एग्जैक्टली सुइया बोल के बहुत ज़्यादा फेमस है। और
ये काफ़ी टेस्टी भी है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। हाँ, थोड़े मसाले यहाँ पे बहुत मतलब धुआं आ रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है। बाकी इट्स रियली लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं रोड पे खड़ के कर रही हूँ और सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, सो यू कैन इमेजिन हाउ। एंड ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि यहाँ पे हम वाइट लोगों का घूमना इतना सेफ नहीं होता, फिर भी मैं रात में आके सी रोड के साइड में जैसे हमारे यहाँ सभी इवनिंग में स्नैक्स होते हैं सेम एग्जैक्टली वैसे ही है। और मैं यहाँ पे खड़ के रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो ये सिटी सेंटर है और उसके सामने यहाँ पे मुझे सुइया वाला सोचा कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे हर रोड गली में सब ऐसे सुइया और प्लांटेन, फिश, ड्राई फिश, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। सो जो मीट के बाजू में वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, वो डोसा टाइप, वो एक्चुअली मासा कहते हैं उसको। एग्जैक्टली डोसा टाइप होता है, बस इसमें शुगर मिक्स होती है थोड़ी बहुत। फिर मैं सामने के सुपरमार्केट में एंटर हो गई और वहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स के लिए देख रही हूँ यहाँ के फेमस चॉकलेट्स ऑलमोस्ट। फिर फाइनली मैं जालफ राइस की तलाश में निकल गई, एक से तीन तीन दुकानें ढूंढ रही थी। मैं ना भटक रही हूँ अभी लाइक रात को यहाँ के, इतने कम समय में मैं भटक रही हूँ कि जालफ राइस कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अभी लाइक इतने समय में शायद ही कहीं पे जालफ राइस मिलता है। यस, यहाँ पे हमें अगर जालफ राइस मिलता है तो हम देखेंगे ट्राई कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट राइस हैं नाइजीरिया के, और जालफ राइस को पारबॉयल किया जाता है। तो यहाँ से मैं निराश होकर बाहर निकल गई क्योंकि यहाँ पे भी मुझे नहीं मिला जालफ राइस। फाइनली यहाँ पे चिकन रिपब्लिक में आ गई हूँ मैं, आई होप सो यहाँ पे मुझे जालफ राइस मिल जाए एंड मैं उसको टेस्ट करूँ और आप लोगों को दिखा दूँ। यस, फाइनली मुझे यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल गई जालफ राइस की। वैसे नाम में ही कितनी जलन है ना, जालफ राइस, नाम से ही पता लगता है कितना नाम में ही जलन है, राइट। और ये लड़का मुझे वहाँ पे लिक्विड सोप बेचने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि भाई मैं लेके क्या करूँ, बट फाइनली जैसे प्लान किया था वैसे सारा दिन मैंने ख़त्म कर लिया और मैं चली घर की ओर, और काफ़ी भूख लगी है। और आप लोग भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे ऐसे ही मोटिवेशन करते रहें, प्यार देते रहें, ताकि मैं ऐसे दुनिया घूमती रहूं और आप लोगों के साथ शेयर